अनवेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का काई ओएस टेक नाउ में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप जियो फ़ोन के लिए एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो अपने किसी भी पड़ोसी के या फिर अपने पापा के ही फ़ोन से। मतलब कोई भी एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आप 15 मिनट या फिर उससे भी जल्दी आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो। मतलब बुक मार्क टाइप एक एप्लीकेशन बना सकते हो जिससे आपको बार बार बुक मार्क लगाने की ब्राउज़र में ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो। बाकी की 2 एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये एप्लीकेशंस के बारे में आपको समझा दूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये बनती है और मैं आपको इसको बता के दिखाऊँगा और इसको ट्राई भी करूँगा और साथ ही साथ आप ही के सामने इसको मैं करके दिखाऊंगा। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको खाली 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है। पहला जिसका नाम है ZARC, ये सबसे ऊपर आ गया ग्रीन रंग का ZArchiver। आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेनी है और इसके साथ आपको एक और, ये खाली 3 MB की है और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। और ये है दूसरी एप्लीकेशन जो मैं बता दे रहा हूँ, ट्रैब एडिट। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया मोबाइल HTML एडिटर। आपको खाली ये दोनों डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, एक मैं zip फाइल दूंगा, तो ZArchiver में जाना है। जहाँ पर भी आपने उस zip फाइल को डाउनलोड किया होगा वहाँ चले जाइए, फिर वहाँ से उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू आर्चिव नेम कीजिए, फिर यहाँ पे अपने फ़ोल्डर को नाम दीजिए आप कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो मैं पहले देख लूँ वेबसाइट पे कि मुझे कौन सी एप्लीकेशन पे बनाना चाहिए, तो मैं चला जाता हूँ क्रोम पे। और क्रोम पे जाते ही मैं सारे ऑल टैब्स क्लियर कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं जियो मार्ट का डेमो एप्लीकेशन बना ले रहा हूँ खाली डेमो के लिए। बाकी सही सा एप्लीकेशन आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जैसे कि जियो मार्ट है और ये बेटा वर्जन है, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और ये हो गया। हम एक बार चेक कर लेंगे इसके आइकन को, वैसे ये दिख तो नहीं रहा है लेकिन एक बार फिर भी। और हमें क्या करना है, इस वेबसाइट को कर लेना है कॉपी, और मैं बता दे रहा हूँ आपको इसको पहले ही कॉपी कर लेना। आप कॉपी हो चुका है, अब जो हमने एक्सट्रैक्ट की हुई थी वहाँ पर इसको नाम देते हैं। तो मैं जियो मार्ट का डेमो एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, तो अब मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर दे रहा हूँ। जियो मार्ट डेमो, ओके। अभी ये फुल वर्जन एप्लीकेशन नहीं है तो ये खाली डेमो है। अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। और फिर ये जो दूसरी zip फाइल है आपको भी एक्सट्रैक्ट आर्चिव नेम कर देना है। फिर यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक आइकन PNG मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। अब आपको एक सिम, एक कोई भी आइकन चाहिए, जैसे कि मुझे जियो मार्ट का एक आइकन चाहिए, तो मैं फटाफट से चले जाता हूँ जियो मार्ट पर वापस से और यहाँ इमेजेस पे देख लेता हूँ कोई सही सी इमेज मिल जाती है। तो हमें तो बहुत सारे मिल रहे हैं लेकिन इनमें से कोई मुझे ठीक तो नहीं लग रही, बस ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है लेकिन इस, ये थोड़ा ब्लर है।
हम इसे फिर भी डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि छोटे में थोड़ा सही लगेगा। ओके, आप फटाफट से आइए इस पे, और यहाँ डाउनलोड्स पे आपने जहाँ पर भी उसको डाउनलोड किया है आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स डाउनलोड की हुई हैं, ये देखिए जियो मार्ट है। अब यहाँ पर इसको कर देना है पहले आइकन डॉट पीएनजी, इसको रीनेम कर देना है आइकन डॉट पीएनजी। ओके, तो यहाँ लिख देना खाली ICON, और ये लिखिए डॉट पीएनजी लिखा हुआ है, और ये ऊपर चला गया शायद से, कहाँ गया, जियो मार्ट जियो मार्ट जियो मार्ट, ये देखिए आ गया। अब इसको कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद अब इसको जाके ब्लूटूथ के अंदर डेमो एप्लीकेशंस के अंदर, और फिर यहाँ जाके पेस्ट कीजिए। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, अप्लाई ऑल फाइल्स पे टिक कीजिए और रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल ठीक से वो हो जाएगा, वो आ जाएगा। ये देखिए ये आ चुका है। अब आपको यहाँ मैनिफेस्ट वेब ऐप पे कुछ करना है, ठीक है। अब फटाफट से आप ट्रैब एडिट में आ जाइए। अब यहाँ मैं चला जाता हूँ ट्रैब एडिट में, तो ट्रैब एडिट में आने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स में जाना है, मेन्यू पे जाने के बाद, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ जाना है, और यहाँ पे जियोमार्ट डेमो में जो मैंने बनाया, और फिर यहाँ मेटा डाटा डॉट जेसन में जाना है। तो यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल मैनिफेस्ट मांगेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अब मैं तो लिखूँगा जियो मार्ट डेमो। ओके, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ और सेव कर दूँगा इस फाइल को, और रन भी कर दूँगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, फिर आपको फिर दोबारा बैक आ जाना है, फिर एप्लीकेशंस पे जाना है, और फिर यहाँ मैनिफेस्ट वेब ऐप होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे पहले वर्ज़न आपका वही रहना चाहिए, लेकिन पहले नेम होना चाहिए एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशन का। तो मैं यहाँ पे नेम दे दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एग्जांपल वन नेम की इधर जो लिखा हुआ है, तो इसको पहले कट कर देना, खाली एग्जांपल वन को कट करना है, एक भी बिंदु या फिर एक भी डॉट, जितना भी ये कॉमा वगैरह अलग हो गया तो आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ लिख देना आपको, मैं लिख रहा हूँ जियो मार्ट डेमो, तो जियो मार्ट डेमो। ओके, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है आपका, तो डिस्क्रिप्शन में आपको आप कुछ भी लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ फॉर शॉपिंग, ठीक है। टाइप इन सब में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस स्टार्ट यूआरएल पे जहाँ दिया गया है इसको आपको हटा देना है। फिर यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना उसको, जो मैंने यूआरएल कॉपी किया था उसको पेस्ट करने के बाद मेरा नाम पूछ रहा है अभी यहाँ पे, तो मैं यहाँ अपने चैनल का नाम डाल दूँगा। चैनल का नाम है मेरा काई ओएस टेक नाउ। ओके, मेरी साइट पूछ रहा है कि मतलब मैं मेरी साइट कौन सी है, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल दीजिए, तो मैं डाल दूँगा YOUTU.com। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे दोबारा से नेम मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको जियो मार्ट लिखना है। ओके, जियो मार्ट
डेमो। ओके, ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इस फाइल को भी सेव कर देना है। 10 बार आप सेव कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और फिर ये देखिए, ये इस तरीके से आ जाएगा कुछ। फिर आपको क्या करना है, फिर इसको काट कर आपको फटाफट से जाना है दोबारा से वापस। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इसको 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 कन्वर्ट करना है एक जिप में, ताकि आप इसको ओमनी एसडी के द्वारा इंस्टॉल कर पाएँ। नो कंप्रेशन पे क्लिक करना है, नो कंप्रेस होना ही चाहिए, नहीं तो आपकी जिप फाइल फिर बेकार हो जाएगी। और एप्लीकेशन जिप इसका नाम होना चाहिए। ओके, और पासवर्ड वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालना है, नहीं तो फिर आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये एप्लीकेशन जिप हमारी तैयार है। मेटा डाटा डॉट जेसन को कॉपी कीजिए, फिर आई एप्लीकेशन पे यहाँ पे पेस्ट कीजिए, फिर एप्लीकेशन और मेटा डाटा डॉट जेसन को क्लिक कीजिए, और फिर उसके बाद ये नीचे डाउनलोड जैसे बटन पे क्लिक कीजिए, और फिर ये एप्लीकेशन डॉट जिप जो दिख रही है, एप्लीकेशन को काट दीजिए। अब यहाँ पे इसका नाम लिखिए पहले, जियो मार्ट डेमो। ओके, मैंने लिख दिया। कंप्रेशन लेवल नो कंप्रेशन करना है, ठीक है, जिप्टोग्राफी में रखना है, और ये ओके हो गया। ओके, फिर आपका ये जियो मार्ट डेमो तैयार है। मैं आपको लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, बस वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा मुझे। तो गाइज़, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अब कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं ओमनी एसडी के द्वारा, वो भी जियो मार्ट को। तो अब मैं फटाफट से दिखा दे रहा हूँ कैसा है वो डेमो एप्लीकेशन। तो फटाफट से मैं अपना कैमरा खोल लेता हूँ, और मेरा जियो फ़ोन है बंद, उसको ऑन कर लेता हूँ। ये ऑन हो गया, थोड़ा सा फोकस बहुत बेकार है। फटाफट से चलते हैं ओमनी एसडी पे, और यहाँ पर ढूंढ लेते हैं अपनी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ढूंढते रहिए जब तक मिले ना। और मैंने यहाँ जियो मार्ट डेमो लिखा था, ये देखिए सबसे ऊपर आ चुका है, और इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये हमें पता है ये सबसे आखिर में मिलेगा, तो हमें फटाफट से काट देना है, फिर उसके बाद ऊपर से सीधा नीचे चले जाना है। और ये देखिए, जियो मार्ट डेमो एप्लीकेशन आपकी तैयार है। जैसा मैंने लोगो चुना था बिल्कुल वैसा ही है, और बिल्कुल सेम वही फ़ोन है। तो अब आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं यूज़ करके कि कैसा चल रहा है ये एप्लीकेशन। तो ये देखिए, हमारा कर्सर आ गया, और जियो मार्ट बीटा वर्जन हमारे जियो फ़ोन में चल रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, बिल्कुल ज़रूर। और ये देखिए, बिल्कुल सही से काम कर रहा है ये एप्लीकेशन, और आपका कर्सर भी ठीक से ही काम कर रहा है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। और बाकी आगे आप और भी एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आप दो और ऑफलाइन और गेम्स की एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हो, तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। और बाकी जियो मार्ट डेमो का अपडेट वर्जन भी मैं लाऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वाला वर्जन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। फिर से आज मैं ज़्यादा का टारगेट रख रहा हूँ, आज का टारगेट मैं रखूँगा कम से कम 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का, यानी कि 100 कमेंट्स एंड 100 लाइक्स का। तो आप उसको पूरा करवा देना, और मिलता हूँ मैं इसी के साथ आप लोगों को ये नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर तो जाना मत, क्योंकि आप अपडेट खो दोगे फिर। और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और भी बहुत सी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको आगे चल के। तो चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। बाय बाय एंड सी यू अगेन।